हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग पावर सिस्टम टॉपिक के ऊपर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले जो कि आपके एग्जाम एसएससी जेईई और आगे आने वाली हर एक एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। ये हमारे सुपर एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 30 है। अगर इसके पहले के 29 पार्ट नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पे प्रीवियस सारे जो इंपॉर्टेंट सेशन है सुपर एमसीक्यू सीरीज के हमने एक चैनल पे एक प्लेलिस्ट पे बना के अपलोड कर दिए, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे नए चैनल कुछ फेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिएगा। और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कुचिफा अंडरस्कोर ऑफिशियल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को भी जाके ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको पीडीएफ और साथ साथ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे आई बटन पे एक विंडो पॉपअप होगा, वो अभी आप क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस सेशन को आपके फ्रेंड के साथ में भी शेयर करिएगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी लोगों ने मुझे करेक्ट आंसर किया था। क्वेश्चन क्या था, इफ द कनेक्टेड लोड ऑफ अ कंज्यूमर इज 2 kW एंड मैक्सिमम डिमांड इज 1.5 kW, द डिमांड फैक्टर ऑफ अ कंज्यूमर। देखिए, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, लोड फैक्टर, इस टाइप के फैक्टर्स मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन किए जनरेशन टॉपिक पे, वो आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे आई बटन पे भी इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो जाके देखेगा। ठीक है, आपको डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला पता है, वो होता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। ओके, हमारे पास मैक्सिमम डिमांड कितनी है, 1.5 kW, और हमारे पास कनेक्टेड लोड कितना है, 2 kW का। 3 × 4 × 0.75 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था 0.75। ध्यान में रखिएगा, मैक्सिमम डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला है मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। ये हमारी क्लास 30 है ऑन अ पावर सिस्टम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी जेईई के रिगार्डिंग। ये हमारा सिलेबस था पेपर वन का, हमने सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करा चुके हैं, फिर भी अगर आपको लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर आप इन सब अगर आपने सारे सेशन देख लिए होंगे और आपको कोई भी सेशन एक एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट सेशन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो विल सी द सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लोड पावर फैक्टर इज 0.95 लैगिंग इंप्लाइज अ रिएक्टिव पावर डिमांड ऑफ। अगर एक लोड पावर फैक्टर 0.95 है लैगिंग, तो वो रिएक्टिव पावर डिमांड कितना इंप्लाई करेगा, कितना डिमांड करेगा KVR पर किलोवाट में, हमको ये रेशियो में निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पावर ट्रायंगल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अपेरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, ये सारे तीनों भी टर्म्स आपके क्लियर होने चाहिए फंडामेंटल्स। इसका मैं इसके ऊपर मैंने एक पावर ट्रायंगल के ऊपर एक सेशन बनाया था, वो जाके देखिएगा। ठीक है, तो हम मैं यहाँ पे बेसिक में बता देता हूँ। पावर ट्रायंगल में हमारे पास जो हाइपोटेनस रहता है, ये इस टाइप का पावर ट्रायंगल। हाइपोटेनस होता है अपेरेंट पावर, ठीक है, जिसको हम लोग एस कह के डिनोट करते हैं। इसका ये है, इसको हम लिखते हैं वी इंटू आई। ओके, यहाँ पे हो गया आपका फाई और ये हो गया क्यू। क्यू मीन्स हो गया रिएक्टिव पावर, इसको हम लिखते हैं वी आई कॉस फाई। ध्यान में रखिएगा, वी आई सॉरी साइन फाई। ठीक है, एक्टिव पावर हम लोग पी से डिनोट करते हैं, इसको हम लिखते हैं वी आई कॉस ऑफ फाइ। यहाँ पे मैं आपको इरेज कर यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। रिएक्टिव पावर हम लोग लिखते हैं वी आई साइन फाइ से। ठीक है, अभी हमारे पास क्या गिवन है, रिएक्टिव पावर टू द एक्टिव पावर का हमें रेशियो पूछना है। ठीक है, के वी आर पर किलोवाट हमको पूछना है। हमारे पास कितना है पावर फैक्टर, एक ही टर्म गिवन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ इस यहाँ से हम लोग टैन फाइ का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का हमारे पास रेशियो है। ठीक है, तो टैन फाइव विल बी इक्वल्स टू रिएक्टिव पावर अपॉन एक्टिव पावर। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, रिएक्टिव पावर कितना है हमारा क्यू, एक्टिव पावर है पी। ओके, इसका रेशियो है हमारे पास, इसका रेशियो है हमारे पास एक एंगल के फॉर्म में गिवन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर टैन ऑफ फाई विल बी इक्वल्स टू इन केवीआर पर किलोवाट के रेशियो में हम लोग निकालते हैं इसको,
तो टैन ऑफ क्या हो जाएगा इसका, कॉस इनवर्स ऑफ, क्योंकि हमें कॉस फाइव कितना गिवन है 0.95, ठीक है, तो फाइव को निकालेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ 0.95, ठीक है, तो इसका एंगल आ जाएगा 18, ठीक है, टैन ऑफ 18, ओके, दैट मीन्स टैन फाइव विल बी इक्वल्स टू 0.33 के वी ए आर पर किलो वैट। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, काफ़ी सिंपल था बट ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन था, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखिए पूछने का मतलब यही था कि ये अगर आपको क्लियरली आता है पावर ट्रायंगल तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सप्लाई फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेस द स्किन इफेक्ट, अगर सप्लाई फ्रिक्वेंसी अगर हमारी बढ़ती है तो स्किन इफेक्ट पे क्या इफेक्ट होगा ये हमें बताना है, ठीक है। स्किन इफेक्ट को मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका, जो एसी में एक कंडक्टर होता है उसका जो करंट फ्लो होता है वो आउटर पेरीफेरी में फ्लो होता है इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग द होल कंडक्टर, ठीक है। डीसी में इसके अंदर से जाता है बट ये एसी में जो स्किन इफेक्ट यहाँ पे आपका फिनोमेना रहता है ये क्या करता है, करंट ट्राई करता है कि ये आउटर पेरीफेरी में से फ्लो हो, ठीक है, एक कंडक्टर है मान लो, ठीक है, इस वजह से आउटर पेरीफेरी में से फ्लो होता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस। तो अब इसको कहते हैं स्किन, इसको हम लोग कहते हैं स्किन डेप्थ, डेल से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी और स्किन इफेक्ट का रिलेशन पूछना है, पूछा है, ठीक है। तो आपको पता है डेप्थ ऑफ स्किन इफेक्ट का क्या होता है फॉर्मूला, विच विल बी इक्वल्स टू, जिसको हम लोग कहते हैं डेल से हम लोग डिनोट करते हैं, वन बाय अंडर रूट ऑफ फॉर्मूला। इसको ध्यान में रखिएगा, देखिए मैं एक बार आपको बता दूं कि मैंने जितने भी पेपर एनालिसिस किए, जितने मैं सेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ और जो सेशन हम लोग देखते हैं, जो पेपर्स हम लोग देखते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने ये नोटिस किया ऑलमोस्ट 60% जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो जो मैं एक्स्ट्रा के आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ ड्यूरिंग क्वेश्चन, उसमें से पूछे जाते हैं, तो उसको आप ध्यान से देखा करिएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट हम लोग जो एक्स्ट्रा के इन्फॉर्मेशन जो हम लोग गैदर करते हैं उसमें से भी क्वेश्चंस आपको मैंने काफ़ी बार देखा है कि उसमें से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मेरे सेशन को स्किप मत किया कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंटली और काफ़ी ध्यान से मैं आपको छोटे से छोटे चीज़ें क्लियर करता हूँ, फंडामेंटल्स क्लियर करता हूँ। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, डेल इज इक्वल्स टू वन बाय अंडर रूट ऑफ पाई म्यू जीरो इंटू म्यू आर इंटू एफ इंटू डेल एफ इंटू सिग्मा, ओके, डेल इज इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई म्यू जीरो म्यू आर एफ इंटू सिग्मा, ठीक है। तो आपने यहाँ इस रिलेशन से देख सकते हो, अगर आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो डेल रिड्यूस होता है, तो ऑब्वियसली बात है अगर डेल रिड्यूस होगा तो जो स्किन इफेक्ट है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, द स्किन इफेक्ट विल बी इंक्रीज इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस स्किन इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस एंड लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस इज 1/2 1/4 2 या फिर 4। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस एंड लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस का हमें रेशियो पूछा गया है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग कनेक्टर देख लेते हैं इस टाइप के, ये हो गया ग्राउंड, इसके बीच का कैपेसिटेंस हो जाएगा 2C और इसके बीच का कैपेसिटेंस हो जाएगा 2C, ये दो कंडक्टर्स हैं, ठीक है। कंप्लीट, और इसका डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से इनके सेंटर से, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू डी। तो आपको पता है सी विल बी इक्वल्स टू कैपेसिटेंस विल बी इक्वल्स टू पाई एप्सिलॉन अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ डी बाय आर फैराड पर मीटर, ठीक है। देयरफोर कैपेसिटेंस ऑफ लाइन टू लाइन टू कैपेसिटेंस ऑफ लाइन टू न्यूट्रल का रेशियो क्या हो जाएगा, सी बाय 2C, ठीक है। लाइन टू लाइन टू लाइन टू न्यूट्रल हमको पूछा गया था, ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू सी अपॉन 2C, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1/2। दैट मीन्स लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस इज ट्वाइस द लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस, ये आपको इस फॉर्मूला इस रेशियो से पता चलता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ अर्थ इन केस ऑफ ओवरहेड लाइन इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन इंक्रीजेस द इंडक्टेंस ऑफ द लाइन या फिर डिक्रीज या फिर इंक्रीजेस। बेसिकली
द प्रेजेंस ऑफ अर्थ इन केस ऑफ ओवरहेड लाइंस, ठीक है, इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन. होता क्या है, विद प्रेजेंस ऑफ अर्थ चार्जिंग करंट का जो फिनोमेना रहता है हमारा ये बढ़ जाता है, ठीक है. और ये मतलब ये टेक्स प्लेस होता है, ठीक है. चार्जिंग करंट का फिनोमेना आता है अर्थ की प्रेजेंस के होने के कारण, अर्थ अर्थ के कारण, ठीक है. और इससे क्या होता है, शंट कैपेसिटेंस जो है हमारा ये हमारा बढ़ जाता है, ठीक है, अर्थ के प्रेजेंस के कारण. ओके, बट ये आपको पता होना चाहिए इसमें जो इंडक्टर का इंडक्टेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं रहता इन द ऑन द प्रेजेंस ऑफ अर्थ, ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी. विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सैग ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज 2.5 मीटर व्हेन द स्पैन लेंथ इज 250 मीटर्स. नाउ इफ द हाइट ऑफ अ सपोर्टिंग टावर इज इंक्रीज बाय 25% द सैग विल. यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं सैग क्या होता है, ठीक है. ये जो अर्थ, ये जो फेस कंडक्टर है, ठीक है, आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ फिर से. ये जो कंडक्टर है यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये जो हैंग हो रहा है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लूज छोड़ा जाता है, ठीक है. उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक सैग हम लोग को इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है. सो दैट इसको हम लोग अगर टेम्परेचर का जो वेरिएशंस रहते हैं उसको ये सस्टेन कर सके, ठीक है. तो यहाँ पे दो टाइप की कंडीशंस रहती है, ठीक है. एक व्हेन द कंडक्टर एट अ इक्वल हाइट्स और व्हेन द कंडक्टर्स एट अ अनइक्वल हाइट्स, ठीक है. तो जो दो टावर्स है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अनइक्वल हाइट पे, और ये इस कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन में दोनों भी टावर्स इक्वल हाइट पे है, ठीक है. ये हमारी सेकंड कंडीशन होगी. तो इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है. फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है. और सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ, सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पैन लेंथ, ठीक है. और अगर इफ़ कीपिंग इन माइंड दैट अदर पैरामीटर्स रिमेन्स द सेम, ठीक है. तो सैग एट इक्वल लेवल का फॉर्मूला है एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 टी. ओके, टी मीन्स क्या हो गया, टेंशन. डब्ल्यू मीन्स क्या हो गया, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है. एल मीन्स हो गया ये लेंथ, ओके, ये कंप्लीट यहां से जो लेंथ है ये हो गई हमारी एल, ठीक है. दो सपोर्टिंग टावर में से जो कंडक्टर हमारा ले डाउन है वहां पे, ये उसके बीच का जो डिफरेंस हो गया ये हो गया लेंथ का, ठीक है. ये तो हो गया हमारा व्हेन कंडक्टर एट अ इक्वल हाइट. ओके, अगर सेकंड केस में क्या होता है, अगर अनइक्वल हाइट है, ठीक है, अनइक्वल हाइट पे, मान लो ये टावर एक दूसरे हाइट पे और दूसरा टावर एक कहीं दूसरे हाइट पे, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है हमारा, इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है. ओके, अनइक्वल हाइट पे x2 माइनस x1 हम लोग लिखते हैं, x2 माइनस x1, ठीक है. ये x2 माइनस x1 यहाँ पे मैं मार्क करके रखा हूँ, इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए ये जो h है इफेक्टिव h, ये हो गया s2 माइनस s1. यहाँ का जो डिस्टेंस है एक पर्टिकुलर फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, ठीक है, h इज इक्वल टू s2 माइनस s1. इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t इंटू h अपॉन w इंटू l. h आपको पता है s2 माइनस s1 है, डेट मीन्स हम लोग h को निकालेंगे तो मिलेगा हमें w इंटू l अपॉन ट्वाइस ऑफ t इंटू x2 माइनस x1, ठीक है. ये आपका फॉर्मूला है सैग एट अनइक्वल लेवल. अगर आपको x2 और x1 की वैल्यू पता चली तो देन आप एच को इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है. ये एच हो गया यहाँ पे इफेक्टिव हाइट, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, द सैग ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज 2.5 मीटर्स व्हेन द स्पैन इज अ 250 मीटर्स. नाउ इफ द हाइट ऑफ अ सपोर्टिंग टावर इज इंक्रीज, अगर दोनों भी सपोर्टिंग टावर, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लेवल पे है यहाँ पे हमको बताया गया, ठीक है, तो सैग विल बी रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, क्योंकि दोनों भी टावर की हाइट जो है हमारी सेम इंक्रीज कर दी गई 25% से, तो उसका जो इफेक्ट रहेगा, आउटकम रहेगा, वो इट विल बी रिमेन अनचेंज्ड. ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस.
सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सेम मैंने यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स आपको स्लाइड में दिखा दिया ऑलरेडी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन आर्क वेल्डिंग द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द आर्क इज इन द रेंज ऑफ 200 to 250 volts एवरी 1000 to 2000 volt. बेसिकली आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, जो वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड है वो काफ़ी कम रहता है, बट हमारी करंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है. द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द आर्क इज इन द रेंज ऑफ 20 to 30 volts. इसका जो एक रेंज रहता है, जो हमारा 230 वोल्ट सप्लाई है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है हाई करंट एंड लो वोल्टेज में. तो उसका वो जो वोल्टेज रेंज रहता है जो जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं आर्क वेल्डिंग के लिए वो रहता है 17 वोल्ट. ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, 245 वोल्ट्स तक. और जो करंट का लेवल रहता है वो रहता है हमारा 55 to 590 एम्पियर्स तक हमारा करंट रेंज रह सकता है. ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है. इन आर्क वेल्डिंग द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द आर्क इज इन द रेंज ऑफ 20 to 30 वोल्ट्स. ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस. विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हम लोग देखते हैं स्लाइड्स पे क्या इसका करेक्ट आंसर होगा. सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं. सिंगल फेज रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर इज फेड एट अ वन एंड ऑफ अ 220 वोल्ट. अगर एक एंड पे हम 220 वोल्ट फेड कर रहे हैं एंड इट इज लोडेड विद अ यूनिटी पावर फैक्टर लोड्स एज अंडर. हमारा कंप्लीट डिस्टेंस जो है फ्रॉम फीडिंग पॉइंट टू इन लास्ट हमारा डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर्स का है, ठीक है. दैट मीन्स हमारी 300 मीटर्स की लाइन है, ठीक है, कंप्लीट डिस्टेंस है हमारा, ओके. और हमारे लोड करंट गिवन है. चलिए हम लोग इसको इसका आंसर देखते हैं, ठीक है. सेम क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं. सबसे पहले हम लोग बेसिक से समझते हुए चलते हैं. अगर सिंगल फेज रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर एक एंड है, मान लो एक एंड हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है. एक एंड से हमने 220 वोल्ट पे फीड किया, ठीक है. और बाकी जो डिस्टेंस है इसका हम लोग डिस्टेंस लिख देते हैं, यह है 300 मीटर्स यहाँ से फाइनली यहाँ तक, ओके. चार पॉइंट पे हमारे फीडिंग पॉइंट्स है, ठीक है. तो कुछ इस तरीके से आएगा. एक एंड से समझ लो 100 मीटर पे आए हम यहाँ पे, ठीक है. एक हमारा फीडिंग पॉइंट आ गया यहाँ पे I1, ठीक है, जहाँ पे हम लोग कितना करंट दे रहे हैं, कि हम लोग करंट प्रोवाइड कर रहे हैं 22 एम्पीयर्स का. दूसरी जगह से अब हम लोग आए, फिर हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि 220 माइनस 100, क्योंकि 100 मीटर्स ऑलरेडी कवर करा चुका, रहेगा 120 मीटर्स. ये रहेगा 120 मीटर्स का हमारा डिस्टेंस, ठीक है. इस पॉइंट पे हमने कितना करंट फीड कर दिया, 17 एम्पियर्स, ठीक है. देन हम लोग नेक्स्ट आए, यहाँ पे कितना 40 मीटर्स का डिस्टेंस रहेगा फिर, क्योंकि 260 माइनस 220 ये डिस्टेंस है ना, यहाँ पे जो गिवन है डिस्टेंस है विल बी इक्वल्स टू 40 इस पॉइंट पे. और देन हमारा फिर 40 मीटर्स का लास्ट का, क्योंकि 260 माइनस 300 माइनस 260 ये हमारा थर्ड हो जाएगा. यहाँ पे हमारी करंट की वैल्यूज रह जाएगी 20 एम्पियर और 25 एम्पियर्स, ठीक है. इस तरीके से हो गया. बट हम लोगों को यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी होगी, ये जो हम यहाँ से करंट फीड कर रहे हैं, ठीक है, आई विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन सब के एडिशन 22 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 25 एम्पियर्स. अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप इसका कलर चेंज कर देते, विच विल बी इक्वल्स टू 84 एम्पियर्स, ठीक है. ये हमारा I1 हो गया, यहाँ से जो हम लोग फीड कर रहे हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो इधर से करंट आ रहा है, ठीक, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, यहाँ से आ रहा है I1, ओके. यहाँ से आ रहा है I1 माइनस 22, क्योंकि 22 यहाँ पे चला गया, ठीक है. इस केस में क्या हो जाएगा, I1 माइनस 39, क्योंकि इन दोनों का 22 प्लस 17 39 ऑलरेडी यहाँ पे जा चुका है. देन हमारा थर्ड केस में क्या हो जाएगा, लास्ट केस में, एंड केस में हमारा I1 माइनस 59, ठीक है. 22 17 और 20 को अगर हम लोग ऐड करते तो I1 माइनस 59 ये हमारा इधर एक फाइनल करंट आ जाएगा, ठीक है. ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है. अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आपको बताया गया है, इफ़ द टोटल रेजिस्टेंस फॉर गो एंड रिटर्न ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर इज 0.1 ओम्स का गो एंड रिटर्न के लिए, मतलब कंप्लीट पाथ के लिए, ठीक है. तो एक सिंगल एंड में क्या हो जाएगा, फॉर गो ओनली, मतलब एक पाथ के लिए कितना हो जाएगा इसका, डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 0.05, ठीक है. क्योंकि आपको पता है टोटल रेजिस्टेंस फॉर गो एंड रिटर्न ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ से कंप्लीट
एक रिवॉल्यूशन लेते हैं हम लोग कंप्लीट। एक रिवॉल्यूशन मतलब यहाँ पे जाते तक और रिटर्न तक हमारा है 0.1 ओम्स। तो हमारा एक पाथ के लिए कितना हो जाएगा 0.1 बाय 2, दैट मीन्स 0.05 ओम्स। ओके, तो देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस 1 यूनिट लेंथ विच विल बी इक्वल्स टू 0.05 अपॉन हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है। टोटल डिस्टेंस है हमारा 300 मीटर्स का, ठीक है, ये हमने अभी यहाँ पे देखा है, अपॉन 300 विच विल बी इक्वल्स टू 1.6667 × 10⁻⁴ ओम पर मीटर। ओके, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमारा निकल गया। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है रेजिस्टेंस फॉर 100 मीटर्स। देखिए हम लोगों को 100 मीटर्स के लिए इस लेंथ के लिए निकालना पड़ेगा सेपरेटली, इस टाइप के और इसमें और इसके लिए, ठीक है। रेजिस्टेंस फॉर 100 मीटर विच विल बी इक्वल्स टू 100 × डिस्टेंस से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है, 1.6667 × 10⁻⁴। तो हमें मिलेगा 0.01667 ओम्स, ठीक है, ये हमारा निकल गया 100 ओम्स के लिए, 100 मीटर्स के लिए, ठीक है। अभी सिमिलरली हम लोग इसी तरीके से हम लोग 120 मीटर्स के लिए निकालते हैं एंड 40 मीटर्स के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 120 मीटर्स के लिए हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.02 ओके और 40 मीटर्स के लिए हमारा हो जाएगा, इसको सेम अगर आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते तो इस रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को, तो कितना हो जाएगा 6.6668 × 10⁻³ ओम्स। ये हमारा 40 मीटर्स के लिए होगा, ये हमारा 120 मीटर्स के लिए होगा, ठीक है। अभी हम लोग वोल्टेज एट द फादेस्ट एंड हम लोग निकालना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमको यही क्वेश्चन में पूछा गया कि इफ द टोटल डिस्टेंस गिवन है देन वोल्टेज एट द फार एंड, मतलब यहाँ का हमारा वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपली इक्वेशन से 220 माइनस जो जब हम यहाँ से सप्लाई फीड कर रहे हैं, इधर यहाँ पे हम लोग 220 वोल्ट सप्लाई फीड कर रहे हैं, वहाँ से हमको पूरे ड्रॉप को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको काफ़ी बार बताया था, डिस्ट्रीब्यूटर रहता है इट इज डिजाइंड मेनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, ये मैंने आपको बताया था और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर्स आर डिजाइन फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप और फीडर करंट का, ठीक है। 220 माइनस इन सबका जो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे करंट और रेजिस्टेंस का इक्वा हम लोगों को 84 का हमारा करंट हो गया। ये देखो सारे करंट जो है I1 −22 I1 −39 I1 −59, ये हम लोगों को सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। 84 × 0.01667 + 62 × 0.02 120 के लिए जो हमारा आया था +45 × 6.668 × 10⁻³ −3 +25 जो I1 में से हम वैल्यू माइनस कर रहे, देखो यहाँ पे पता था 84 में से आप जितने भी वैल्यू माइनस करें हम लोग उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारी वैल्यूज है 25 × 6.668 × 10⁻³ −3, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 216.89 वोल्ट्स एज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये था, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हमने क्या किया, हमारे पास एक लाइन गिवन थी जिस पे हमने 220 वोल्ट पे हमने फीड किया, ठीक है। ये हमने सबसे पहले डिस्टेंस को मार्क कर दिया, उसके पहले हर एक पॉइंट पर कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमने यहाँ पे मार्क कर कर दिया। एक इसका टोटल एडिशन हो गया हमारे पास 84 एम्पियर्स का, ठीक है। ओके, तो आई वन में से 22 गया यहाँ पे, तो यह जो रिमेनिंग करंट है वो होगा I1 −22, यहाँ पे होगा I1 −39, यहाँ पे होगा I1 −59। ओके, I1 −59, तो हमने रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकाल लिया सबसे पहले फॉर वन वन पाथ के लिए, हम रेजिस्टेंस निकाल लिया वो हो गया हमारे पास 0.05 ओम्स, ठीक है। तो हमने पर यूनिट लेंथ निकाल लिया तो हमारे पास
रेजिस्टेंस को हमने मीटर से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 1.667 इंटू 10⁻⁴ ओम पर मीटर। हमने रेजिस्टेंस फॉर 100 मीटर, 120 मीटर और 40 मीटर्स के जो दो थे हमारे डिस्टेंस, उसके लिए हमने निकाल दिया। ठीक है, तो जो हमारे पास फीड कर रहे हैं वोल्टेज, हमने उसमें से सारे जो वोल्टेज ड्रॉप्स हुए वो हमने माइनस कर दिए, तो हमारे पास फाइनल आंसर है 216.89 वोल्ट्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन था ये, और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंज्यूमर इज ऑफर्ड द फॉलोइंग रेट ऑफ टैरिफ। एक कंज्यूमर है उसको इस टाइप का जो टैरिफ है यहाँ पे गिवन है वो प्रोवाइड किया गया है, जिसको पे करना पड़ रहा है फिक्स चार्जेस जो है उसको 1000 रुपीज़ पर मंथ के हम अब उनको पे करने पड़ रहे हैं। एक रनिंग चार्जेस है 4.5 रुपीज़ पर यूनिट को उनको पे करना पड़ रहा है, और इफ़ द कंज्यूमर रन मोटर लोड, अगर वो मोटर लोड रन करते हैं 1 किलोवाट की 0.85 पावर फैक्टर पे, तो ऑन एन एवरेज उनका जो कंजम्पशन हो रहा है 15 घंटे का हो रहा है पर डे का, तो उनका एनुअल बिल कितना है। ठीक है, एक कंज्यूमर की बात की है, काफ़ी अब डे टू डे लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ किलोवाट आवर पर डे निकालते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ किलोवाट आवर पर डे निकालते हैं, वो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना किलोवाट है कितने घंटे से मल्टीप्लाई करेगा, 1 किलोवाट इंटू 15 आवर्स। ठीक है, तो डैट मीन्स 15 किलोवाट, ये एक यूनिट का भी आपको पता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू यूनिट होता है करके, 15 किलोवाट आवर ये उनका टोटल नंबर ऑफ किलोवाट आवर है पर डे का। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है उनका जो कॉस्ट पर डे आ रहा है, तो हम लोग इसको 4.50 पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4.50, तो हमारे पास आ जाएगा 67.50 रुपीज़ पर डे आ जाएगा, ये पर डे की वैल्यू आ गई हमारे। ठीक है, और कॉस्ट पर एनम हमारे पास आ जाएगी 67.5 रुपीज़ पर डे, तो हम लोग 365 से मल्टीप्लाई करते हैं डेज इन ईयर, तो 67.5 × 365 विल बी इक्वल्स टू 24637.5 रुपीज़। ये आपका हो गया एनुअली आपका जो कंजम्पशन है उसका, बट यहाँ पे आपको बताया गया है कि उनका जो फिक्स चार्जेस है वो पर मंथ का 1000 रुपीज़ उनको पे करना पड़ रहा है। ठीक है, जो मेंटेनेंस के जो अदर कॉस्ट के चार्जेस है उनको 1000 रुपीज़ पर मंथ पे करना पड़ रहा है। अगर हम लोग इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12,000 उसका फिक्स चार्जेस एनुअली। ठीक है, तो आप इसको फाइनली कैलकुलेट कर सकते हो, 0.573663, दैट मीन्स 36,637.50 रुपीज़ उनको पे करना पड़ेगा, ये इसका करेक्ट आंसर था। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़ को और कोचिफाई को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, काफ़ी मैं मेहनत से आपके लिए सेशन प्रोवाइड करता हूँ और इस सेशन को लाइक भी करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वैट सेकंड आर सप्लाइड बाय मोटर डेवलपिंग अ 2 हॉर्स पावर फॉर अ 5 आवर। 2.6857 × 10⁻⁷, या फिर इन ऑप्शन में से कितने किलोवाट सेकंड आर कितने किलोवाट आर सप्लाई होते हैं एक मोटर को जो डेवलप करिए 2 हॉर्स पावर फॉर 5 आवर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालेंगे, HP टू वैट करना है आपको, 2 HP का मोटर है, इनको वैट कन्वे वैट में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 746। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1492 वैट। ओके, यह हमारा लोड है, नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, 5 आवर्स। ठीक है, तो हम इसको एनर्जी निकालने के लिए वैट और मल्टीप्लाई बाय हम लोग टाइम कर देंगे, 1492 इंटू हमारा टाइम कितना, टाइम ड्यूरेशन है 5, तो हमारे पास आ जाएगा 7460 वाट आर। ठीक है, ये हो गया हमारा वाट आर में, अगर आपको आर टू सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो इसको 7460 को आपको 60 × 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मिनट और सेकंड से, तो आपका एक आ जाएगा हमारे पास इसका करेक्ट वैल्यू 2.6856 × 10⁻⁷ W/s। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन इंसुलेटेड केबल हैविंग अ कोर डायमीटर डी एंड अ ओवरऑल डायमीटर कैपिटल डी, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस इज गिवन बाय। रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस आपको पूछा है,
तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया था? सबसे पहले हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। ये हो गया इनर डायमीटर और ये हो गया आपका आउटर डायमीटर, ठीक है। ये एक्चुअली सिमेट्रिक है, ठीक है। ये हो गया हमारा इनर रेडियस और यहाँ से हमारा हो गया आउटर रेडियस, ठीक है। तभी हमें क्या पूछा गया, मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक से हमको पता है जी मैक्स। जी मैक्स को हम लोग लिखते हैं जी मैक्स टू जी में, जिम इन का हमको रेशियो निकालना है, ठीक है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम डाइलेक्ट्रिक्स, तो हम जी मैक्स को कैसे लिखेंगे? जी मैक्स विल बी इक्वल्स टू वी अपॉन आर इन स्मॉल आर इन टू नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, ठीक है। ये हमारे पास आ गई जी मैक्स की वैल्यू। सिमिलरली हम लोग जी मिन का वैल्यू निकालते हैं, जी मिनिमम का वी अपॉन कैपिटल आर इन टू नेचुरल लॉग ऑफ आर बाय आर। जी मैक्स टू जी मिन का हमको रेशियो निकालना है, तो हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे, तो हो जाएगा वी बाय आर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ आर कैपिटल आर बाय स्मॉल आर अपॉन वी बाय कैपिटल आर एंड नेचुरल लॉग ऑफ आर बाय आर। तो हमारे पास रेशियो आ गया इसका कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, विच विल बी इक्वल्स टू, हम लोग इसके डायमीटर में लिखते हैं तो डी बाय स्मॉल डी। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैपिटल डी बाय स्मॉल डी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको एक बार बता दूं, अंडरग्राउंड केबल्स, अभी केबल की बात निकले तो मैं इसमें स्लाइड इंक्लूड कर दिया। इस टाइप के दो सिमेट्रिकल एक्चुअल और जो थ्योरेटिकल एक कंस्ट्रक्शन रहता है केबल का, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। देखिए ये क्वेश्चन एक एम एस सी डी सी एल जेई में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ऐसा उन्होंने फ्रेम किया, तो बेडिंग कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, बिटवीन शीट या फिर आर्मरिंग, बिटवीन सर्विंग या फिर आर्मरिंग, इस टाइप का उन्होंने क्वेश्चन पूछा गया। तो आप इसको एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से आप देख सकते हैं, ये हो गया कंडक्टर, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको कोरिलेट करके। ये मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड करता रहता हूँ, सो दैट आपको क्लैरिटी बढ़ते रहे, ठीक है। इस पर हो गया ये इंसुलेशन, पेपर इंसुलेशन यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे उन्होंने कलर कोडिंग के इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिए, बेसिक इंसुलेशन। ये हो गया शीत, यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहला सर्विंग, ये हो गया ब्लैक कलर का, इससे आप देख सकते हो। ये हो गया आर्मरिंग, इस टाइप का आर्मरिंग है, ठीक है, मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पे हो गया फिर बेडिंग, नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया यहाँ पे शीत, ये लीड शीत रहती है बेसिकली, ठीक है। और देन आता है हमारे कोर, जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू लॉसी कैपेसिटर्स विद इक्वल कैपेसिटेंस वैल्यूज एंड अ पावर फैक्टर्स ऑफ अ 0.1 एंड 0.02 आर इन पैरेलल, 0.01 एंड 0.02 आर इन पैरेलल एंड द कॉम्बिनेशन इज सप्लाइड फ्रॉम अ साइनोसाइडल वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे दो लॉसी कैपेसिटर्स है, ठीक है, जिसकी इक्वल कैपेसिटेंस वैल्यू और उनकी जो पावर फैक्टर वह है 0.01 और 0.02, ठीक है, जो पैरेलल में कनेक्टेड है, एसी से फेड किए गए हैं, ठीक है। तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ, और इसका जो कॉम्बिनेशन है सप्लाइड किया गया है वोल्ट, एसी वोल्टेज सोर्स है, तो हमको पावर फैक्टर निकाला है कॉम्बिनेशन, इसका कंप्लीट पावर फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। उसके पहले आपको बताना चाहिए करंट ऑलवेज लीड्स इन अ कैपेसिटेंस, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और करंट ऑलवेज लैग्स इन अ, करंट ऑलवेज लैग्स बाय सर्टन डिग्री 90 डिग्री इन अ इंडक्टर, ठीक है, और यह कैपेसिटर में रहता है। करंट लीड करता है और इंडक्टर में करंट लैग करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं फेजर से, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यह हो गया हमारा आई वन, यह हमारा आई टू और यह हो गया हमारा वी, ठीक है। यह हो गया हमारा फाई टू और यह हमारा हो गया फाई वन, ठीक है। तो फाई वन हम लोग निकालेंगे कैसे, फाई वन विल बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.01, ठीक है। या हम लोगों को फाइवन निकालना पड़ेगा क्योंकि कॉस कॉस फाइ इज इक्वल टू जो हमारे पास गिवन है वैल्यू, उसको हम लोग इन्वर्स कर लिया फाइव निकालने के लिए, तो वो हमारे पास आ जाएगा 89.42 डिग्रीज एंड फाइव टू हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 0.02 विच विल बी इक्वल टू 88.85। अगर हम लोग इसका
एवरेज लेते हैं तो हमको इसको 5 मिलेगा वैल्यू, जो हमारे पास मिलेगा 5 1 प्लस 5 2 अपॉन 2। आप इसके इन दोनों को एवरेजिंग करोगे तो यू विल गेट अ 5 एज अ 89.135। ठीक है, तो कॉस ऑफ 5 विच विल बी इक्वल्स टू, ये आपको वैल्यू पुट करने के लिए कॉस ऑफ 89.135 विल बी इक्वल्स टू 0.015। ठीक है, ये आपका ओवरऑल का पावर फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लॉन्ग सैंपल ऑफ अ केबल इज 10 मेगा ओम्स, देन द 8 मीटर लॉन्ग सैंपल ऑफ द सेम विल हैव अ इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ। अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस 2 मीटर लॉन्ग सैंपल केबल का वो है 10 मेगा ओम्स, तो 8 मीटर लॉन्ग केबल का कितना हो जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं कम होगा, ये आपको ध्यान में रखनी होगी। मैं आपको बता दूँ, इंसुलेशन ध्यान में रखना होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस वेरीज, दैट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, डिक्रीज आपको ध्यान में रखना होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑलवेज डिक्रीज विद इंक्रीज इन द लेंथ। ठीक है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन लेंथ, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इस टाइप का एमसीक्यू भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, डिक्रीज इंक्रीज उस टाइप को उस तरीके से फ्रेम करके, दैट मीन्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस वेरीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस टाइप का एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना पड़ेगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले विच विल बी इक्वल्स टू रो बाय ट्वाइस पाई एल नेचुरल लॉग ऑफ आर बाय स्मॉल आर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस आर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एल। ठीक है, लेंथ, दैट मीन्स देयर फॉर अगर हम लोग दोनों दोनों का रिलेशन निकालते रेशियो में, तो क्या हो जाएगा, आर टू बाय आर वन इज इक्वल्स टू एल वन बाय एल टू। ओके, इस रेशियो में अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दें तो आर टू विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, एल वन इंटू आर वन अपॉन एल टू। दैट मीन्स एल वन हमारे पास कितना है, 2 मीटर्स, आर वन है हमारे पास 10 मेगा ओम्स और एल टू हमारे पास है 8। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2.5 मेगा ओम। इस रिलेशन से आप ध्यान में रख सकते हो, इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर अगर लेंथ हमारी बढ़ती है तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। इफ द सप्लाई इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज एन टाइम्स द साइज ऑफ अ कंडक्टर वुड रिड्यूस और इंक्रीज, ये हम लोगों को बताना है। इसका हम लोग थ्योरेटिकल एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओके, चलते हैं हम लोग इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखते हैं सबसे पहले हम लोग पावर को कैसे लिखते हैं। पावर इज इक्वल्स टू वी आई, पावर का फॉर्मूला है वी आई इंटू कॉस फाइव। देन हमारे पास आता है आई, आई विल बी इक्वल्स टू पी बाय क्या हो जाएगा, वी ऑफ कॉस फाइव या फिर कॉस थीटा कह सकते हैं आप। पावर लॉस इन कंडक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, विच विल बी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। हमारे पास आई के वैल्यू कितना है, पी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे इन टू आर। ओके, या फिर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं पी एल इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर इंटू आर अपॉन वी स्क्वायर कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय आर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन पी एल इंटू वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। और आपको पता है आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ठीक है, यहाँ तक आपको पता होगा, दैट मीन्स 1 बाय आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय आर इज इक्वल्स टू ए बाय रो इंटू एल। करेक्ट, अभी हम लोग इस 1 बाय आर में ये वैल्यू पुट करते थे, दैट मीन्स ए बाय रो एल विच विल बी इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन पी एल इंटू वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अगर आप रो एल पी एल पी और कॉस थीटा को आप लोग कॉन्स्टेंट अज्यूम करते हैं, तो आपका फाइनल एक रिलेशन क्या मिलेगा, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई ऑफ वोल्टेज स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट मीन्स
अगर हम लोग वोल्टेज इंक्रीज कर देते तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर विल बी रिड्यूस, तो जो क्रॉस सेक्शन का एरिया रहेगा हमारे कंडक्टर का वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर वही को हम लोग इंक्रीज करते हैं एन टाइम्स, तो हमारा जो साइज ऑफ कंडक्टर विल बी रिड्यूस 1/n² टाइम्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज एन टाइम्स द साइज ऑफ अ कंडक्टर वुड रिड्यूस 1/n² टाइम। ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी करके बताया प्रूफ, ठीक है, प्रूफ भी करके हमने देख लिया, तो कि ध्यान में रखिएगा। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वायर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन एक्ट्स एज अ फेज वायर, न्यूट्रल ट्रांसमिशन वायर या फिर ग्राउंड वायर। जो टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, ये कंडक्टर्स हो गए यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो लाइन कनेक्टर हमारा प्रोवाइड किया जाता है ये रहता है ग्राउंड वायर, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका फ्लैश हो रहा है, लाइटनिंग आपके यहाँ पे स्ट्राइक होती है इस कनेक्टर पे, तो ये सबसे पहला जो ग्राउंड वायर उसके कांटेक्ट में आएगा और उसकी जो लाइटनिंग है वो डिस्चार्ज करने में के लिए हेल्प करेगा, ठीक है, थ्रू द टू द ग्राउंड, ठीक है। इसलिए ये द वायर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन एक्ट एज अ ग्राउंड वायर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्साइटेशन कंट्रोल मेथड इज सेटिस्फैक्ट्री। एक्साइटेशन कंट्रोल मेथड अल्टरनेटर की वो ये सिर्फ शॉर्ट लाइन्स के लिए हमको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कनेक्टेड है, तो आपको पता है यहाँ से अगर आप लोग जनरेटर से फीड कर रहे होंगे, ठीक है, पावर, तो ये फादेस्ट एंड का जो कंज्यूमर रहेगा इसका वोल्टेज कांस्टेंट रखने के लिए आपको काफ़ी वेरिएशंस लाने पड़ेंगे इस जनरेटर में, ठीक है, इस अल्टरनेटर में। इसलिए ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहेगा, इसलिए सुटेबल नहीं रहेगा फॉर द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा द एक्साइटेशन कंट्रोल मेथड इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर शॉर्ट लाइन्स। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट आज के पावर सिस्टम के क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। द लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ अ 50 किलोमीटर लॉन्ग केबल इज 1 MΩ। फॉर 100 किलोमीटर लॉन्ग केबल इट विल बी, मैंने अगर अपने सेशन मेरा ध्यान से देखा होगा विदाउट स्किपिंग, तो आपको इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आई होप ये सेशन समझ में आया होगा आपको। हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs और कोचिफा _ ऑफिशियल को जाके सब्सक्राइब करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।